Got it? So last lecture में हमने process D completed, process C में हमने last lecture तक कितना किया था बेटा, factory overheads तक done हो गया था. उसके बाद normal loss कर लो, 5% of 15,000 question में दिया ही था आपको, 5% कितना units कितना input, ये total मिला है तो 15,000, तो 15,000 का 5% हो गया, scrap rate is given, कर दिया. उसके बाद आपका sales कितना बोल रहा है, 40%, तो 40% of what? अब output कितना बचा? ये 15,000 में से ये 750 क्या हो गया, माइनस नॉर्मल लॉस डिडक्ट हो गया, नॉर्मल लॉस डिडक्ट हो गया, तो बचा कितना 14,250, तो 14,250 का 40% कितना हो गया 5,700. अब इसको सेल कितने में किया था आपने, क्वेश्चन में रेट दिया 5, यस 17.5 का रेट है, ओके करेक्ट. तो चलो 17.5 का रेट के हिसाब से कितना आ रहा है बोलो, 5,700 into 17.5, that is 99,750. Yes or no? है कि नहीं? Multiply करके देख लो, calculation. Correct. Very good Chandan. Well done Payal. तो ये sales हो गया. और बाकी क्या बोल रहा है बेटा? Others क्या है? Output transfer to next process. अब next process क्या हो जाएगा? H. तो by क्या output? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है भाई, आउटपुट ट्रांसफर टू एच, ठीक है, प्रोसेस एच अकाउंट. बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस एच अकाउंट, व्हाट इट बाय आउटपुट ट्रांसफर टू व्हाट बेटा, प्रोसेस एच अकाउंट कितना परसेंट है, 60% ऑफ 14,250, ठीक है. तो चलो 14,250 का कितना परसेंट, 60% निकाल लो, कितना आ गया 8,550, 8,550. अब इसके लिए कॉस्ट आ जाएगा बेटा, इधर क्या आ जाएगा, आउटपुट जो ट्रांसफर होगा टू प्रोसेस एच अकाउंट में, उधर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट. तो कॉस्ट के लिए कॉस्ट पर यूनिट का वर्किंग नोट, यू विल सी टू इट. चलो तो कॉस्ट पर यूनिट का वर्किंग नोट कर लो, आ जाओ easily. ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट का वर्किंग नोट, चलो. तो कॉस्ट पर यूनिट का वर्किंग नोट इज वेरी सिंपल, डायरेक्टली आपने कॉस्ट निकाला ही होगा लास्ट लेक्चर में, प्रोसेस डी का निकाला. फिर इधर मैं बना देता हूं कॉस्ट पर यूनिट का वर्किंग नोट, बना देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन इन रुपीस, राइट, कॉस्ट पर यूनिट. नाउ सी प्रोसेस सी के लिए, जो प्रोसेस सी का डेबिट का टोटल है वो कर लो आप. डेबिट का टोटल कितना बेटा, 1,88,250 डेबिट टोटल, 1,88,250. प्रोसेस डी तो हमने पहले लास्ट लेक्चर में ही कर लिया था, ठीक है. प्रोसेस सी का डेबिट का टोटल है 1,88,250 और इसका नॉर्मल लॉस वैल्यू जस्ट अभी आपने देखा कितना आया था, 3,000, बराबर है. तो माइनस किया तो कितना हो गया, नॉर्मल लॉस वैल्यू माइनस किया तो कितना आ गया इधर, 185,250, और इसका नॉर्मल आउटपुट कितना था, 14,250. दिस वॉज द नॉर्मल आउटपुट, ठीक है. तो जरा रेट बता दो, सीपीयू का रेट कितना आएगा, सीपीयू का रेट 13, ओके वेरी गुड, ठीक है, सीपीयू का रेट आ जाएगा 13, परफेक्ट परफेक्ट, राइट, सीपीयू रेट विल बी व्हाट बेटा, 13, ठीक है. चलो अब सुनो, अब आपको पता है, देखो इधर, अब है ना आपको जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज प्रोसेस एच, अभी सुन के रखो खाली इधर, वो तो जब जाएंगे तो देखेंगे उधर प्रोसेस एच में. प्रोसेस एच में जो है ना बेटा, प्रोसेस एच में आपको दिख रहा है कोई भी आउटपुट आपका
फिनिश स्टॉक में नहीं है, अब प्रोसेस एच के बाद तो कोई प्रोसेस है नहीं, तो नेक्स्ट प्रोसेस में तो जाएगा नहीं, प्रोसेस एच के बाद कोई प्रोसेस है क्या? नो, बराबर है, या तो फिनिश स्टॉक में जाएगा या तो सेल करेगा, दो में से एक ही हो सकता है, तो फिनिश स्टॉक में भी नहीं गया। अगर इधर फिनिश स्टॉक में भी जाता ना तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता, पता ही है सबको, फिनिश स्टॉक के लिए भी कॉस्ट पर यूनिट निकालते ही हम लोग। लेकिन इधर क्या बोल रहा है, प्रोसेस एच में 100% आपका सेल कर दिया, 100% सेल हो गया, तो सेल के लिए तो सेल प्राइस रहता है ना बेटा, तो मतलब आपको प्रोसेस एच में है ना, प्रोसेस एच में आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इधर प्रोसेस एच में कॉस्ट पर यूनिट निकालने का क्या नहीं पड़ेगा, कोई नीड नहीं होगा, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट व्हाट सीपीयू इन प्रोसेस एच, सो ये आपका एक तरह से नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब सीपीयू की जरूरत ही नहीं है ना आपको। पहली बात तो प्रोसेस एच का तो आपने फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर ही नहीं किया, फिनिश स्टॉक में वेयर हाउस में किधर आपने ट्रांसफर किया है क्या, कुछ नहीं हुआ है, बराबर है, मालूम पड़ा, इसलिए सीपीयू निकालने की जरूरत ही नहीं है इधर, तो ये बात का काम है, लेकिन पहले बता दिया क्योंकि इधर यूज ही नहीं होगा, ठीक है, ये बाद में भी कर सकते हो आप नॉट। ओके, तो ये चीज माइंड में रखना सब लोग कि प्रोसेस एच में वो नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए कुछ आने वाला नहीं है, डायरेक्टली हमारा काम हो गया क्योंकि वो सेल किया डायरेक्टली, क्या किया आपने, सेल, क्या किया बेटा, सेल किया, बराबर है, तो कोई स्टॉक में है ही नहीं ना आपका, कुछ स्टॉक में बचा है क्या आपको, फिनिश गुड्स स्टॉक में डाला है क्या या वेयर हाउस में डाला है क्या, ऐसा कुछ बोल रहा है आपको बच्चा, कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो कुछ आएगा ही नहीं, सीपीयू का रेट यूज ही नहीं होगा, ठीक है, बराबर, तो याद रखना क्योंकि उधर पूरा 100% सेल्स है, तो सेल्स के लिए तो सेल्स का प्राइस आता है ना, ठीक है, तो प्रोसेस एच में हमको सीपीयू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ, अब अपना जो मेन गेम है, मेन काम, ये 13 rupees अपने को चाहिए था, नाउ लेट्स सॉल्व इट। अच्छा, इधर ये जरा वाइप आउट हो गया, तो ये फिर से मैं एक बार फटाफट लिख देता हूँ, ये नॉर्मल लॉस था अपना, बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट था अपना, नॉर्मल लॉस 5% था ना इधर, 5%, ठीक है, नॉर्मल लॉस था 5% ऑफ 15,000, 5% ऑफ 15,000 था 754 का रेट था, 3,000 अमाउंट था, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बाय सेल्स, ये कितना परसेंट था बेटा, बाय सेल्स 40%, 40% ऑफ कितना, 15 minus 750, दैट इज 14,250, तो 14,250 आपका था आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट, उसका 40% कितना आ गया था, 5,700, उसको सेल किया आपने और रेट भी दिया था 17.5 का, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 99,750। अब जो मेन था आपका क्या था, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस व्हाट, प्रोसेस सी के बाद एच अकाउंट, चलो अब कितना आउटपुट ट्रांसफर होगा इधर, 60% बोला ना, 60%, 60% ऑफ 14,250, चलो 60% कितना हो जाएगा, 14,250, 14,250 का 60% कितना हो गया, 8,550, रेट कितना, रेट आपका सीपीयू का रेट आपने देख लिया, निकाला अभी जस्ट, सीपीयू कितना आया था प्रोसेस सी में, 13 rupees, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, 8,550 इंटू 13, 1,11,150, वेरी गुड, वेल डन पायल, वेरी गुड, वेरी गुड कृष्णा, वेल डन ऋतुजा, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन प्रतीक्षा, ठीक है, डन, चल, तो ये 8,550 इंटू 13, तो 1,11,150 आ गया, दैट्स डन। अब क्या करना है आपको, टैली करना है, चलो अभी टैली करोगे ना बेटा आप, टैली करते टाइम पे ध्यान देने का। अच्छा, अब मैंने आपको एक शॉर्टकट क्या बताया डायरेक्टली, देखो आपने सेल किया है 17.5 में और कॉस्ट था कितना, 13, बराबर है,
17.5 में सेल कर रहे हो और कॉस्ट है 13, मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया आपको? 4.5 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है? कितने यूनिट्स पे? 5,700 यूनिट्स पे, है कि नहीं? तो वो क्या हो गया आपका? टू कॉस्टिंग पीएनएल, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 5,700 इंटू 4.5, 25,650, बराबर है? मानो पड़ा, क्लियर है कि नहीं? वो प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं उतना दे, नहीं उतना समझ में आएगा ना, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। तो देखो टैली करो, टैली करोगे तो ये यूनिट्स तो टैली हो जाएगा आपका 15,000 है, ठीक है? अब इधर देखो, डेबिट का टोटल आपने करके ही रखा था, कितना था आपका डेबिट का टोटल? कितना था? 188,250। इधर का क्रेडिट का टोटल देखो कितना, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, राइट? कितना है? 2,13,000, कितना? 900, 2,13,900। बेटा क्रेडिट ज्यादा है तो क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट ही होगा। क्रेडिट ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपका सेल आपने ज्यादा प्राइस पे किया है, सेल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पे आपने सेल किया, तभी तो प्रॉफिट आया। तो कितना प्रॉफिट आया? कितना? 25,650। इतने से बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कि नहीं? देखो चेक करके देख लो, तो 23,900 में कितना डालोगे? 25,650 आप पुट करोगे तो आपका टैली हो जाएगा। तो वो 25,650 क्या था? वो प्रॉफिट था ड्यू टू सेल्स। आप क्रॉस चेक करना है तो देख सकते हो, 13 से 17.5, 4.5 का प्रॉफिट है। कितने यूनिट्स पे? 5,700 पे। तो 5,700 इनटू 4.5 कर दिया, खत्म। 25,650, दैट्स इट, आ गया, खत्म, गेम ओवर। ओके, क्लियर? अच्छा, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो, अटेंडेंस। एवरीवन पुट योर अटेंडेंस। चलो अब आ जाओ, इधर पोस्टिंग कर देते हम लोग सब। सो पहला देखो, हर प्रोसेस में, प्रोसेस डी में भी देखो, डी में देखो डेबिट साइड में टू कॉस्टिंग पीएनएल है, तो टू का क्या हो जाएगा? बाय प्रोसेस डी अकाउंट। कितना था अमाउंट जरा चेक कर लो, 17,766 था ना, 17,766, ठीक है? फिर प्रोसेस सी में भी था टू कॉस्टिंग पीएनएल, टू था ना, टू का बाय लेजर पोस्टिंग, सो बाय प्रोसेस सी अकाउंट से लिया। कितना सी अकाउंट में कितना था प्रॉफिट दिख रहा था अपने को? 25,650, यही था ना बेटा, 25,650। और लास्ट अभी प्रोसेस जो किया उसमें भी टू कॉस्टिंग पीएनएल था, तो टू का बाय, बाय व्हाट? प्रोसेस एच अकाउंट। कितना? 34,560, ठीक है, बराबर। चलो टैली करोगे, बट वो टैली करने से पहले देखो, अपने को क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या दी थी? कि कॉमन एक्सपेंसेस अपने पास है, क्या है कॉमन एक्सपेंसेस? टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो वो तो खर्चा हो गया, तो डेबिट में दिखा दोगे। टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपका एक्सपेंस दिया है, कितना दिया वो? 30,000। और फिर क्या बेटा? टू ऑफिस एंड एडमिन के बाद क्या है? टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कितना दिया आपने को क्वेश्चन में? 23,636। बस अब आ जाओ, तो नेट प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर होगा, दैट विल बी व्हाट? आर नेट प्रॉफिट बचा अपने को, उसके लिए बैलेंसिंग फिगर कर लो, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा ही है ना बेटा। क्रेडिट कितना है टोटल देख लो, क्रेडिट ज्यादा होगा तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा, और इधर डायरेक्ट दिख रहा है क्रेडिट ज्यादा है, तो टोटल मारा कितना आ गया? टोटल इधर टोटल देखो कितना हो रहा है, इसका टोटल 77,976, ओके बराबर। और ये ज्यादा है तो दोनों साइड में लिख दिया 77,976 माइनस 30,000 और 23,636, मतलब
53,636 ये दोनों को ऐड करके 77,976 में से माइनस कर दो तो कितना आया नेट प्रॉफिट, हाउ मच, 24,340, यस, बस हो गया, दिखा दिया, दैट्स इट, बराबर। तो ये हो गया अपना सम इधर फिनिश, जितना बोला था आपने को वो हमने सब बना दिया, प्रोसेस डी, प्रोसेस सी, प्रोसेस एच अकाउंट, फिर कॉस्टिंग पीएनएल, क्या बेटा कॉस्टिंग पीएनएल भी हमारा रेडी हो गया, और वर्किंग नोट में अपना कॉस्ट पर यूनिट देख लिया, बना लिया हमने, लास्ट वाले का एप्लीकेबल जो प्रोसेस एच था उसमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं थी, मतलब लास्ट प्रोसेस एच वाला, क्योंकि उसमें कोई वेयर हाउस या फिनिश स्टॉक में था ही नहीं, बनाना है तो बना सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, खबर है, मालूम पड़ा, क्योंकि वो लास्ट प्रोसेस में डायरेक्ट सेल था और सेल का तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है, खत्म, बस, पर ये सब डन हो गया, इधर करके हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, दैट्स डन, फिनिश, ठीक है, तो ये सब अच्छे से सब लोग